मेघालय टूर प्लान करते समय हमें काफ़ी लोगों ने कहा आप चेरापूंजी ज़रूर जाना। जब हम मेघालय पहुंचे तो हमें पता चला इस जगह का सही नाम है सोहरा। हमारे मेघालय टूर का ये थर्ड एपिसोड है। अगर आपके पहले दो एपिसोड्स मिस हो गए हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आप कंटिन्यूटी मिस कर देंगे। मैंने देखा काफ़ी ट्रैवलर्स शिलोंग को बेस बनाकर सोहरा और दौकी जाते हैं। मेरे हिसाब से ये सही आइडिया नहीं है। अगर आपके पास चार या पाँच दिन का समय है तो आप दो रात शिलोंग में रुकिए और दो रात आप सोहरा में रुकिए। हमने सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सफ़र करते समय देखा मॉनसून के समय यानी बारिश के समय पहाड़ों में जर्नी अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन मेघालय में ज़्यादा टूरिस्ट बारिश के समय पर जाते हैं। पहले हमें सुनने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब हम मेघालय पहुँचे और हमने यहाँ पर बारिश देखी और यहाँ के बादल देखे तो मज़ा आ गया। काफ़ी साल तक सोहरा की दुनिया में पहचान थी यहाँ की बारिश। कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बारिश होती थी तो सोहरा में। बारिश आज भी सोहरा में होती है, लेकिन वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ का टाइटल अभी मौसिनड्रोम के पास है। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम शिलोंग मेघालय में हैं। यहां से हम सोहरा जाने के लिए निकल रहे हैं। सुबह 7:30 बजे का टाइम है। 55 किलोमीटर का ये सफ़र करने में हमको लगभग 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। चलिए अपनी जर्नी आरम्भ करते हैं। सोहरा पहुंचने में अभी 25 किलोमीटर बाकी हैं। व्यू देखने के लिए हमने गाड़ी रोकी है। मॉकडॉक बोलते हैं इस एरिया को। अभी हमने मॉकडॉक विलेज पार किया, ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल, जबरदस्त, क्या वैली का खूबसूरत नज़ारा है। डेंस फॉरेस्ट, सामने मुझे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां चलते हैं और वहां से व्यू देखते हैं। सीढ़ियाँ उतरकर हम यहाँ नीचे तक आ गए हैं। अब देखिए क्या सीन है यहाँ पर, ऐसे पहाड़, इस तरफ भी पहाड़ और नीचे वैली, और सामने जो धूप पड़ रही है ना सुबह के समय, धूप यहाँ नहीं आ रही, तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव मूवमेंट है। आमतौर पे मुझे लोगों ने बताया यहाँ पे फॉग रहता है, तो आपको आज आप लकी हो कि आपको इस तरह का खूबसूरत नज़ारा मॉर्निंग में दिखाई दे रहा है। इस समय हम सोहरा के आउटस्कर्ट्स में वहाँ काबा वाटरफॉल देखने के लिए रुके हैं। सोहरा यहाँ से केवल 4 किलोमीटर आगे है। अब देखिए सामने आप वाटरफॉल, हमारे से एरियल डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो लगभग 300 मीटर दूर। मैं सोच रहा था वहाँ जाने का रास्ता कैसे, तो मैंने फिगर आउट किया। आप रोड से ना वो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग से थोड़ा सा नीचे आएंगे लगभग 20 मिनट का वॉक करके, तो वहाँ रेलिंग बनी हुई है, वहाँ तक जा सकते हैं। तो वो एक तरीका है जिससे आप वाटरफॉल के नज़दीक तक जा सकते हैं। अब यहाँ से हमारा अगला डेस्टिनेशन ये वाटरफॉल, तो हमने देखा काफ़ी अच्छा लगा और ये दूर दूर तक विजिबिलिटी भी अभी क्लियर है। अब यहाँ से हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा डैंथलेन वाटरफॉल, जो 6 किलोमीटर दूर है। जैसे मैंने आपको बताया सोहरा, और काफ़ी लोग सोहरा को चेरापूंजी भी बोलते हैं, एक्चुअली में जो राइट नेम है वो सोहरा है। तो हम आज नाइट स्टे वहीं पर करेंगे। चलिए अब यहाँ से सोहरा की ओर, डैंथलेन वाटरफॉल की ओर बढ़ते हैं। मेन रोड से हमने 5 किलोमीटर अंदर जाने के लिए टर्न ले लिया है। ये छोटा सा रास्ता है, ट्रैफिक ना के बराबर। धीरे धीरे अभी हम डैंथलेन वाटरफॉल की ओर बढ़ रहे हैं।
हम डैंथलेन वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच गए, जिस जगह भी हम खड़े हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बहुत सारा पत्थर है। आमतौर पर जब हम वाटरफॉल के पास जाते हैं तो वाटरफॉल ऊपर से आ रहा होता है और हम नीचे से देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐसा है कि वाटरफॉल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम वहाँ पर खड़े हैं और अपने नज़दीक से पानी गिरता हुआ नीचे देख रहे हैं। पानी का स्पीड अच्छी खासी है और जो साउंड है पानी की ऑसम है, क्योंकि हम इतने नज़दीक से इसको महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। डैंथलेन वाटरफॉल से सामने अपनी पार्किंग तक आए, उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी में बैठकर यहां तक पहुंचे मेरा मन हुआ गाड़ी रोक दी जाए और ब्रिज के ऊपर इस तरह से खड़े होकर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखा जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या महसूस हो रहा है, जैसे ये सारे पत्थर है ना ब्लैक कलर के, ये एक बहुत बड़ा स्टोन बेड है और बीच बीच में से पानी निकल रहा है, कहीं पानी जमा है रुका हुआ है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी एक्सक्लूसिव मूवमेंट है। जैसे ही हमारे साइड से गाड़ी निकली मेरे को लग रहा है ब्रिज हल्का हल्का मूव हो रहा है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। 11 बज चुके हैं, भूख लग रही है, यहाँ से सीधा 5 किलोमीटर मेन रोड तक चलते हैं, फिर पता लगाते हैं हम क्या खा सकते हैं। ये जो सफर है ये आप पॉइंट टू पॉइंट मत करिए, मतलब एक वाटरफॉल से चले गाड़ी में बैठे और 5 किलोमीटर बाद दूसरे वाटरफॉल, आप लेफ्ट राइट देखते जाइए, जहां आपका मन करे रुक जाइए। जैसे कि अभी 4 किलोमीटर चलकर हम रुक गए हैं, हमारे पीछे देखिए आप ये मिनी वाटरफॉल, स्टेप बाय स्टेप पानी निकल रहा है। सिर्फ यहां 5-10 मिनट रुको और इसको देखो कितना अच्छा लग रहा है। पीछे पत्थर देखिए, अनएक्सप्लोर्ड रीजन है ये, टूरिस्ट आते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़े से कम आते हैं। पीछे मोनोलिथ, दिस प्लेस इज टू गुड, बहुत शानदार। आप बीच बीच में रुकते जाइए, आपको ये जर्नी करने में बहुत मज़ा आएगा। डैंथलेन वाटरफॉल से हम मेन रोड तक आए और उसके बाद केवल 100-150 मीटर स्ट्रेट आए तो हमने ये रेस्टोरेंट देखा है ऑरेंज रूट्स। अंदर चलकर खाना खाते हैं, मेरे को भूख लगी है बहुत ज़्यादा तेज, क्योंकि आज हमारा ब्रेकफास्ट और लंच कंबाइंड हो रहा है इस समय 12 बजे। थैंक्स Thanks. This is your traditional dress? Yes, sir. It's a cultural dress. It's called Jansam. Jansam? Yes. Great. Kublai? Thank you, sir. Kublai Shibun. Thanks. यहाँ पर local language में thank you को Kublai बोलते हैं, और अगर आप thank you very much बोलना चाहते हो तो Kublai Shibun. थाली में स्वीटेश गुलाब जामुन, my all time favorite. पापड़ के साथ तवा चपाती मिली है नीचे, और north और south का combination है, क्योंकि इसमें मेरे को राजमा पनीर भी दिखाई दे रहा है और साथ में रसम भी दिखाई दे रही है दाल के साथ। सबसे पहले रसम, ग्रेट, खट्टा, जिंजर साथ में, अच्छी प्रिपरेशन है और मसाले वगैरह सही है, मतलब गरम मसाला रॉकिंग टेस्ट दे रहा है इस राजमा के अंदर। थैंक यू। पनीर बड़ा पसंद आया मेरे को, पनीर का बड़ा पीस, एकदम फ्रेश थिक ग्रेवी और साथ में ये लाल साबुत मिर्च, ऑसम टेस्ट। ओवरऑल गुड फूड, मुझे खाना यहाँ का पसंद आया, काफ़ी सिंपल है, साफ़ सुथरी जगह है। खाना खाते खाते बाहर मेरे को बादल भी चलते हुए दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। अब
स्वीडिश की बारी है, गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन का टेस्ट तो अच्छा है लेकिन मीठा ज़्यादा है। जिस तरह का लंच मैं आज करना चाह रहा था ऑलमोस्ट मैंने वैसा ही लंच किया। आई एम ओवरऑल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अब हम यहाँ से आगे घूमने के लिए निकल रहे हैं। इस समय हम शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर सोहरा पहुँच चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि चेरापूंजी गलत नाम है, सही नाम है सोहरा। यहाँ मौसम आप देखिए किस प्रकार से बदल रहा है। दो घंटे डेढ़ घंटा पहले एकदम तेज़ धूप थी, ऐसा लग रहा था दिन भर आज धूप ही रहेगी, और इस समय बादल आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि अगले 15 मिनट में बारिश हो सकती है। यहाँ पर हम चौराहे पर रुके, हमें किसी ने बताया कि अगर आप लोकल वेजिटेबल्स देखना चाहते हो तो ऊपर वेजिटेबल मार्केट है। इस समय हम वहाँ पर जा रहे हैं। सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है नो कालिकाई वाटरफॉल्स, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ये वाटरफॉल बड़ा फेमस है, बहुत बड़ा है, तो वेजिटेबल मार्केट करने के बाद हम वहाँ पर भी जाएंगे। सिर्फ ये है कि इस समय अचानक बादल आ गए तो मुझे मालूम नहीं वाटरफॉल की विजिबिलिटी लेवल क्या रहेगी, वो हम थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं कि आज जाएं या कल जाएं वहाँ पर। फिलहाल ऊपर चलते हैं। हम वेजिटेबल मार्केट पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, वीक में एक बार यहाँ पर मार्केट लगती है। जब जितने गांव वाले लोग हैं जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, वो आके खुद यहाँ शॉप लगाते हैं। अब ये हमें मशरूम दिखा रहे हैं जो यहाँ लोकल फार्म का मशरूम है, देख सकता हूँ मैं। और आपके पास मशरूम के अलावा फ्रूट्स हैं, नाशपाती, सेब, केला, वो सामने क्या है, टैपियोका, तो ये हम ऐसे ही खा सकते हैं। बनाना प्लांट का, बनाना ट्री का स्टेम, ओके। ये मैंने देखा था वेस्ट बंगाल में इस तरह का नींबू बहुत चलता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, सो जाओ। तो वेजिटेबल मार्केट के टाइमिंग्स क्या हैं? 7 to evening 10 13 अच्छा जी। आप इसको देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप तोरी खाते हैं ना, जब तोरी बड़ी हो जाती है तो उसको सुखा के इसको बनाया जाता है। ये नेचुरल स्क्रब है। नेचुरल स्क्रब का मतलब है कि ऐसे हाथ और अपना बॉडी को स्क्रब करने के लिए, तो ये तोड़कर अंदर स्क्रब है, ये बाहर का आउटर शेल और हल्का एकदम। ये मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि इस तरह का नेचुरल स्क्रब यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मार्केट में लोकल खासी फूड का ये स्टॉल है जो हमारे सामने आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये फूड आइटम्स हैं, इनके नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोकल्स हैं जो यहाँ पर खा रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। ये टिपिकल खासी फूड यहाँ पर अवेलेबल है, लाई पत्ता। और यहाँ पर साथ में मैं देख रहा हूँ कि ड्राई फिश बहुत सारी अवेलेबल है, और इधर सामने भी इसको यहाँ पर इसको स्क्वॉश बोलते हो आप? हाँ जी, स्क्वॉश, अच्छा। और गाजर बड़ा क्यूट सा साइज़ है। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है। बैम्बू शूट अभी तक हमने नहीं देखा था, यहाँ पर दिख गया हमको बैम्बू शूट। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ इस वेजिटेबल मार्केट में, 90% जो वेंडर्स हैं वो फीमेल्स हैं। ये चीज़ बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट है। हमने अपने लिए खाने के लिए थोड़ा सा पुखरेन लिया है। आटा, चावल और चीनी को इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। तल तो देख रहे हैं, हमारे सामने ही तल रहे हैं। मेरे को लग रहा था चीनी होगी इसके अंदर, लेकिन चीनी तो बहुत कम है। वैसे ना इसको क्योंकि ऑयल है तो इसको एंजॉय करने के लिए साथ साथ चाय पीनी ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ऑयली हो जाएगा। बट यस, डिसेंट स्नैक है विद अ कप ऑफ टी। यहाँ लोकल्स बहुत पसंद करते हैं, इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं ये देखकर कि
एक्चुअली लोग लाइन में खड़े हुए पुकलेन लेने के लिए, इसको ये वुड फायर पे बना रहे हैं। आप यहाँ पर वीकली मार्केट वाले दिन ही होते हो या डेली होते हो? डेली डेली वंस इन अ वीक बस, डेली नहीं होता। लोकल स्नैक है, इसको बोलते हैं पूसला। ये है जी पूसला, मैंने पूरा इसको बाहर निकाल लिया, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। गुड़ काफ़ी कम क्वांटिटी के अंदर है, तो गुड़ में अगर ज़्यादा डाल दो जो मिठास से पता आती है ना वो मिसिंग है, बट यस एज अ स्नैक गुड है, लेकिन अगेन साथ में एक कप चाय के साथ, नहीं तो बहुत सूखा सूखा हो जाएगा अगर केवल ये खाया तो। ये देखो यहाँ पर ये सुपारी बेच रहे हैं, तो मैंने इनसे समझा है कि जब सुपारी पेड़ से उतारते हैं ना, 3 to 4 months की सोकिंग करते हैं सुपारी की, मेघालय के अंदर सुपारी और पान के पत्ते का कॉम्बिनेशन इतना पॉपुलर है कि समझ लीजिए आपको घर घर में मिलेगा। आप किसी घर में जब जाएंगे तो वो आपको खाना खाने के बाद या वैसे भी ड्यूरिंग द डे आपको पान का पत्ते के अंदर सुपारी डालकर देंगे। अब हम किसी घर गए नहीं तो हमें ये मौका नहीं मिला, लेकिन हमें ऐसा पता चला है। अब इसको खाते हैं और फिर हम यहाँ वेजिटेबल मार्केट से निकलते हैं। 2 घंटे ऑलमोस्ट हमें हो चुके हैं घूमते हुए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आना और इतने क्लोजअप में सबसे बात करना और वेजिटेबल्स देखना क्या क्या मार्केट में मिल रहा है, गुड एक्सपीरियंस। वाकई मज़ा आ गया पान के पत्ते के अंदर सुपारी डाल के, और ये सुपारी ना भिगोने से सॉफ्ट हो गई है, तो अब मेरे को दांत से इसको बाइट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत आसानी से कर लिया, ये भी खा लेते हैं। थैंक यू। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा नो कलिकाई वाटरफॉल, डिस्टेंस 5 किलोमीटर। नोकलिका वाटरफॉल तो हम पहुंच गए, अब आप सामने देखिए क्या हाल है विजिबिलिटी का, खास तौर पे यहाँ से 50 मीटर तक तो दिख रहा है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा कि वाटरफॉल कहाँ है, लेकिन पानी की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही है। अब 15-20 मिनट आधा घंटा हम लोग इंतज़ार करेंगे, अगर तो क्लियर हो गया मौसम तो वाटरफॉल देख लेंगे, लेकिन अगर 20 मिनट में भी नहीं हुआ तो हम यहाँ से आगे चलेंगे और फिर कोशिश करेंगे कल या परसों में हम दोबारा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आ सकें। और ये 15-20 मिनट जो इंतज़ार कर रहे हैं, सामने चल के देखते हैं क्या शॉप्स के पास अवेलेबल है। दालचीनी देख सकता हूँ, यहाँ का फेमस है दालचीनी बहुत। क्या रेट है इसका? इसका 250। एक स्टिक का 250 रुपीस। ओके, जरा भी डिस्काउंट है? डिस्काउंट है, डिस्काउंट भी दे रहे हो, वाह सही है। ये मैं आपसे ले लूँगा। ये दालचीनी मेरे को बताया गया कि यहाँ पर बहुत फेमस है और यहाँ पर जितने स्टॉल्स हैं सबके पास आपको दालचीनी देखने को मिलेगी, तो आप भी खरीद सकते हैं और फिलहाल ये हम भी ले लेते हैं, तो आप मेरे को 200 रुपीज़ का दे रहे हो। हाँ। चलो ग्रेट, थैंक यू। तो ये आप मेरे को कट कर दो 2-3 पीसेस में। अब देखो विजिबिलिटी एकदम क्लियर है, वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कोई बादल नहीं है, कोई फॉग नहीं है, नो कलिकाई वाटरफॉल ठीक हमारे सामने। पानी का प्रेशर देख के तो वाकई लग रहा है कि अगर हम एकदम नज़दीक जाके ऐसा प्रेशर देख लें तो हिल जाएंगे, इतना तेज पानी का मेरे को प्रेशर यहाँ से महसूस हो रहा है। और साउंड देखो आप, यह 300 मीटर दूर है, यहाँ तक पानी की सुनाई दे रही है। मुझे डाउट है कि नीचे जाने का कोई रास्ता होगा, क्योंकि इसको देख के लगता नहीं मेरे को कि प्रॉपर रूट होगा। हाँ ये कि कोई ट्रैकिंग करते पहुँच जाए तो बात अलग है, बट दिस प्लेस इज ऑसम। अगर वहाँ आप नीचे देख सकते हैं पानी जहाँ पर गिर रहा है ना, वो हरे रंग का जो आपका पानी दिख रहा है जहाँ इकट्ठा हो रहा है, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। मज़ा आ रहा है पानीपल का। क्या पानीपल फिनिश करने के बाद हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे 5 से 7 किलोमीटर, और वहाँ पर फेमस केव्स हैं अरवा केव्स, उधर जाएंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे रेस्ट ऑफ द डे जो बचा है हमारे पास शाम का समय क्या करना है। हम अरवा केव गए थे
आज लाइट ना होने की वजह से केव थोड़ा जल्दी क्लोज हो गया। वहाँ से 3 किलोमीटर का और सफ़र करके हम आ चुके हैं मौसमी केव, सामने आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। चलिए अब अंदर चलते हैं। केव के एंट्रेंस तक हम पहुंच चुके हैं, देखिए आपके सामने, चलिए अंदर चलते हैं। नेचुरल केव है, आप देखिए इसमें पानी भी थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके अंदर गिर रहा है। वाओ, और इसका आप चौड़ाई देखो कितनी ज़्यादा है इस गुफा की। और इस सारी रॉक्स को मैं हाथ लगा के अंदर से देख रहा हूँ, गीली हैं, इसका मतलब पानी अंदर से चो चो के, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये ऐसी ही है। अब ये कितने साल पुरानी है उसके बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ आकर गुफा के अंदर इसको नज़दीक से देखना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता रहा था ना कि पानी की एक एक बूंद गिर रही है, आप देखिए, तो इसका मतलब पानी ये ऊपर से आ रहा है और पत्थर के अंदर से होता होता यहाँ नीचे गिर रहा है। थोड़ा सा अभी अब केव के अंदर हम 25 से 30 मीटर आए हैं और आप देखो ये पैसेज कितना नैरो है, झुक के नीचे से निकलना होगा। ये देखो आप केव अंदर से कैसा है और पैसेज कितना नैरो है, ध्यान से पांव रखना होगा नीचे फिसल ना जाए। थोड़ा सा झुक के चलना पड़ रहा है, लगभग 3.5-4 फीट की हाइट है यहाँ पर। ऑसम एक्सपीरियंस है इस तरह से इतने बड़े केव के अंदर से आना। पांव का रखेंगे, वैसे वाकई ना इसका जो असली एक्सपीरियंस है ना केव का, वो इस बात में नहीं है कि आप आओ 5 मिनट में क्रॉस कर जाओ। असली एक्सपीरियंस है आप ध्यान से देखो अंदर से रॉक फॉर्मेशन कैसी है, पानी कैसे गिर रहा है, और शेप डिज़ाइन, और सबसे मेन बात है ये सब कुछ नेचुरल है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। यहाँ से जाएंगे और ये सामने से क्रॉस करके उस पार, चलिए चलते हैं। इस तरह का केव एक्सपीरियंस मेरे लिए लाइफ में पहली बार। लास्ट टाइम केरला में हम केव में गए थे, लेकिन वो एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था, ये एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ इतना बड़े केव के अंदर से हम गुजर रहे हैं। और वाओ, मेरा मन हो रहा है कल मैं दोबारा यहाँ पर आऊँ, इतना मज़ा आया मेरे को आज यहाँ पर। बस अब हम एग्ज़िट के पास आ चुके हैं। आज का ये केव विज़िट ना सच पूछोगे बड़ा ऑसम एक्सपीरियंस रहा है। आइए यहाँ पे समय लेकर आइए, वैसे अगर आप वॉक करना चाहें अंदर तो 7 से 8 मिनट में एंट्री से एग्ज़िट तक आ सकते हैं। बाकी अभी हम यहाँ से चलते हैं। अब हम जहाँ पर आज नाइट स्टे कर रहे हैं, यहाँ से जगह वो लगभग चेरापूंजी हॉलीडे रिजॉर्ट है, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास या 14-15 किलोमीटर, तो वहाँ चलते हैं। हमें लगभग 45 मिनट पहुँचने में लगेंगे, फिर रात का डिनर करेंगे और आज का दिन एंड करेंगे। मौसमी केव से हम 5:40 पर चले, इस समय शाम के 6:20 का समय हो चुका है। जैसे ही वहाँ से हम निकले आसमान को मैं नोटिस कर रहा था, आसमान में जब सूरज ढल रहा था तो बादल किस प्रकार के लग रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। गाड़ी धीरे धीरे चलते समय हम कंटिन्यूसली इस नज़ारे को महसूस कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। अब आलम ये हो गया कि मुझे लगा कि गाड़ी चलते चलते तो मज़ा आ रहा है, लेकिन हमें रुक के इस मूवमेंट को इन्जॉय करना चाहिए। अब हम रुक ही गए हैं, अब 10-15 मिनट यहाँ पर आराम से रुकेंगे और इस व्यू को तब तक देखते रहेंगे जब तक पूरी तरह से अंधेरा ना हो जाए। आप देखिए लग क्या आ रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है बादलों के पीछे बहुत ज़्यादा लाइट है और वो लाइट छन के हमारे तरफ आ रही है और गोल्डन हो गए हैं क्लाउड्स। आप देखिए सामने कहीं पे काले कहीं गोल्डन, और सही मायने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कंप्यूटर में फोटोशॉप में काम करके हमें कोई दिखा रहा हो, ऐसी फीलिंग आ रही है। मुझे ये तो नहीं मालूम विंटर्स में यहाँ पर कैसा रहता रहेगा, लेकिन अगर आप बारिशों के समय में शाम के समय
कहीं पर भी ओपन एरिया में इस प्रकार का नज़ारा इंजॉय करना चाहते हैं तो आप मेघालय आ जाइए, बहुत इंजॉय करेंगे इस प्रकार का शाम का व्यू देखना। वाकई में बहुत ऑसम मूवमेंट है। अब हम 15-20 मिनट आधा घंटा यहीं पे खड़े हैं, इस नज़ारे को और इंजॉय करेंगे, अंधेरा हो जाने के बाद यहाँ से आगे चलेंगे। दिस इज़ टू गुड। चेरापुंजी हॉलीडे रिजॉर्ट में आज का हम नाइट स्टे कर रहे हैं। खाना खाने के बाद मैं आपको रूम दिखाता हूँ जो हमने अपने लिए लिया है, और फिर हम आज की जर्नी एंड करेंगे। फूड में क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो हर्ब सामने आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं जमीर डो। मुझे इन्होंने बताया कि आप खाना खाते समय जैसे आप टमाटर खाते हो, प्याज खाते हो, उसी प्रकार से ये लीफ खाओगे। इसमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी है। साथ में इन्होंने मेरे को बेबी पोटैटो दिया साथ में, ये बताने के लिए कि इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है बेबी पोटैटो। ये तो पुदीने की चटनी है। यहाँ पर आप फ़िश देख रहे हैं, जो यहाँ पे लोकल फ़िश है, फ़िश करी बनाई गई है। दाल पोटैटो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये जो सैलड आप देख रहे हैं ना, ये मूली का सैलड है। इसके अंदर ना नेली करके एक मस्टर्ड सीड जैसे ये सीड्स हैं, लेकिन ये मस्टर्ड सीड्स नहीं है। इसको ना इस्तेमाल किया गया है ड्राई रोस्ट करते समय। यहाँ पर वैसे लोग राइस ज़्यादा पसंद करते हैं नॉर्मल लंच में या डिनर में, लेकिन मेरा मन था आज चपाती खाने को, तो मैंने अपने लेन से तवा चपाती लिया। बेबी पोटैटो में खास बात यह है, एक तो सरसों के तेल में बनाया गया है, दूसरी बात इसकी कुकिंग स्किन के साथ की गई है। आमतौर पे आलू बनाते समय हम स्किन निकाल देते हैं, यहाँ पर स्किन साथ है। अब क्योंकि साइज़ छोटा है तो उसको कट नहीं किया गया, फर्दर काटा और उसको बना दिया। वेजिटेरियन साइड में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दाल मील में रहती रहती है। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, वेरी टेस्टी, मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिस इज़ सिंपल फूड, एज इफ हम अपने घर में खा रहे हैं दाल। एक काम करते हैं, जामर दो भी साथ साथ खाते हैं, जिससे पता लगे इस लीफ का टेस्ट कैसा है। पंजेंट है, कहने का मतलब यह है कि स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, ये आपको खाते साथ महसूस हो जाएगा। ये मैं नहीं बोलूँगा कि खाते सार आपको बहुत पसंद आएगा, जितना मैंने भी एक लीफ खाई है तो मुझे उससे आइडिया लग रहा है कि 5-6 बार खाना पड़ेगा इस प्रकार के टेस्ट को पसंद करने के लिए। और मुझे इन्होंने बताया कि इसकी चटनी भी बनती है। नॉनवेज में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फ़िश खाते हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा कम खाते हैं। यहाँ नॉनवेज साइड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ चलती है ना वो है पोक, बाकी सब उसके बाद। लोकल फिश है ये, फ्रेश वाटर फिश, इसका नाम है ही ल्यूल। कांटे बहुत सारे मेरे को इसमें दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, तो संभल के खाना होगा। अदर गुड थिंग ये है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं सारा का सारा मस्टर्ड ऑयल में बना है, जिसमें फ़िश भी, आलू भी और दाल भी। फिश का जो मीट है ना हल्का हल्का स्वीट साइड में है। मूली का सैलड तो मैं टेस्ट करना ही भूल गया था। लो जी, मूली का टेस्ट तो आप जानते ही हैं, और नेली इसके साथ ऐड करने से ना एक जूसी एलिमेंट आ गया और पंजेंसी आ गई टेस्ट के अंदर। अगले 15-20 मिनट में हम अपना फूड फिनिश करते हैं, उसके बाद मैं आपको रूम दिखाता हूँ और फिर आज की जर्नी एंड करेंगे। हम इस रूम में रुके हैं, 4650 इसका टैरिफ है, जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। ब्रेकफास्ट और डिनर रूम टैरिफ का ही पार्ट है। यहाँ पर 2-3 कैटेगरीज के रूम थे, ये स्टार्टिंग प्राइस है, बाकी फिर इसके बाद प्रीमियम, डीलेक्स, वो सब कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं। आप बताइए आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह
मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। आपके अगर मेघालय से जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट्स में हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। दैट्स इट, बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर मैं कहूँ कि हमारा सोहरा आने का प्राइमरी पर्पस था केव्स देखना, डबल डेकर रूट ब्रिज देखना, वाटरफॉल्स, बारिश और बादल, तो ये गलत नहीं होगा। जल्दी मिलेंगे नया एपिसोड, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।